हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्टडी अड्डा टेक्निकल स्टडीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के पहले तीन भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। चलिए शुरू करते हैं। एक ब्रशलेस अल्टरनेटर, उसमें एक शाफ्ट पे दो अल्टरनेटर हैं, वे इनमें से कौन से हैं? एक शाफ्ट पे दो अल्टरनेटर हैं, उनमें एक मैन अल्टरनेटर है व एक एक्साइटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। XLPE केबल में XLPE का पूर्ण स्वरूप क्या है? XLPE की फुल फॉर्म होती है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँच सौ मेगा हर्ट्ज मेजरमेंट पावर के लिए, 500 मेगा हर्ट्ज की पावर को मेजरमेंट हम किससे करते हैं? इसका राइट आंसर थर्ड बोलोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रतिरोध निम्नतम होगा? एमीटर का प्रतिरोध सबसे कम है इनमें। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि डीसी धारा वोल्टेज का चरम मान 500 वोल्ट है तो आरएमएस मान क्या होगा? तो आरएमएस मान 353.5 वोल्ट होगा। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सीरीज सर्किट में परिपथ का कुल प्रतिरोध 100 ओम है, पहले दो प्रतिरोध 30 ओम व 50 ओम है, तो तीसरा प्रतिरोध क्या होगा? सीरीज में प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध जुड़ता है, तो इसका राइट आंसर 20 ओम होगा। यह क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर निम्न में से किस कंडीशन पे काम करेगा? जब ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस व कॉपर लॉस बराबर होंगे, उस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है। आयरन, निकिल और कोबाल्ट खालिस्तान धातुएं हैं। यह किस प्रकार की धातुएं हैं? यह लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक मेटल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत आघात से बचने के लिए महत्वपूर्ण विधि क्या है? विद्युत आघात से बचने के लिए हमेशा अर्थिंग होनी चाहिए। अगर अर्थिंग है तो हम सप्लाई को छू लेंगे तो भी अपने को करंट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ओम का नियम के अनुसार V इक्वल IR होता है। ओम का नियम AC व DC दोनों पे अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओवरलोड रिले खालिस्तान से मोटर की रक्षा करती है। ओवरलोड रिले मोटर की हमेशा अत्यधिक विद्युत धारा से रक्षा करती है। फ्यूज ओवरलोड से सुरक्षा नहीं करता, सिर्फ MCB वगैरह रिले वगैरह ही करती हैं। मापने वाले उपकरणों की गतिशील प्रणाली में हेयर स्प्रिंग खालिस्तान से बना होता है। यह फास्फर ब्रोंज का बना होता है, जिसका एक भाग घूमने वाला तथा एक भाग हम फिक्स रखते हैं। एक यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन दिशा को खालिस्तान उल्ट दिया जा सकता है। ब्रश लीड का अदला बदली करके हम यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा बदल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स
इकाई क्या होती है? ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमन होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न प्रतिरोध का मापन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। केल्विन डबल ब्रिज द्वारा हम लो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेपर मोटर का यूज मोस्टली किया जाता है कंट्रोल सिस्टम अप्लायंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धनात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? धनात्मक इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं व ऋणात्मक को हम कैथोड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलोजन लैंप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? हेलोजन लैंप में हम हेलोजन गैस का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन लैंप में नाइट्रोजन यूज की जाती है। जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है उसमें नाइट्रोजन होती है। चलिए निम्न में से VIR का सही पूर्ण रूप क्या है? VIR की फुल फॉर्म वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु, अग्रगामी छिद्र निर्माण करने के लिए हम पोकर का यूज करते हैं। अर्थात लकड़ी में छेद करने से, स्क्रू कसने से पहले हम छेद करते हैं पोकर की सहायता से। विद्युत धारा में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहा जाता है? पावर फैक्टर कहते हैं हम। वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति इक्वल पावर फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू उपकरणों के तापीय तार अर्थात हीटिंग एलिमेंट खालिस्तान से बने होते हैं। हीटिंग एलिमेंट निकिल प्लस क्रोमियम अर्थात नाइक्रोम के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगर द्वारा केबल रोधन परीक्षण में प्रावस्था से प्रावस्था के बीच और प्रावस्था से तटस्थ के बीच प्रतिरोध खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है कि कंडक्टर और इंसुलेशन के बीच का प्रतिरोध एक मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य एम निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा दर्शाया जाता है? एम इक्वल जेड आई टी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डीसी धारा उपमारक जनरेटर अर्थात डीसी शंट जनरेटर में खालिस्तान होता है। कुछ झुकाव वाली विशेषताएं अर्थात कुछ झुकी हुई करेक्टरिस्टिक्स बनती है इस डीसी शंट जनरेटर की। एक विद्युत धारा जो आवधिक रूप से प्रत्यावर्ती हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीसी सर्किट का शक्ति गुणांक खालिस्तान होता है। डीसी का शक्ति गुणांक इकाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भंवर धारा का एक अवगुण है? अनावश्यक ऊष्मा अर्थात एडी करंट के कारण हम अत्यधिक ऊष्मा या वेस्टेज ऊष्मा या अनावश्यक ऊष्मा उत्पन्न होती है। 90 डिग्री के कोण
के विशुद्ध मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। 90 डिग्री के कोण का विशुद्ध माप हम ट्राई स्क्वायर द्वारा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का मापन खालिस्तान में किया जाता है, अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। आप सबको हमारा यह क्वेश्चन आंसर का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें व अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे कम्युनिटी सेक्शन में अवेलेबल है।